हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल और टैली की इस नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि टैली की पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि कैसे हम लोग परचेज और सेल करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज भी हम लोग परचेज और सेल ही देखेंगे, पर हम लोग देखेंगे किसके साथ, जीएसटी के साथ, ठीक है दोस्तों, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें देखिए चार प्रकार की चीजें होती हैं दोस्तों। एक होता है सेम स्टेट परचेज, मतलब एक ही राज्य में खरीद और बेचना, ठीक है, उसको कहते हैं इंट्रा स्टेट। और एक होता है डिफरेंट स्टेट परचेज और सेल, जो कि मतलब दो अन्य अलग अलग राज्यों से खरीदना और बेचना, उसको कहते हैं इंटर स्टेट। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है स्टेट परचेज। सेम मतलब सेम स्टेट परचेज, एक ही राज्य में खरीदना, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले हमें कंपनी बनानी पड़ेगी, जो कि आप लोगों को पता है कैसे बनती है। तो जैसे यूनिक ऑनलाइन गुरु हमारी कंपनी बनी है। अब जीएसटी डिडक्ट करने के लिए, काटने के लिए या जीएसटी पे काम करने के लिए हमें अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर पता होना चाहिए, ठीक है, और जिस कंपनी से परचेज कर रहे हैं उसका जीएसटी नंबर पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आइए, अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि F11 करके तीन फीचर आते हैं, अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर और स्टैचुरी फीचर, ठीक है। तो ये टैक्सेशन का पार्ट है, तो हम तीसरे पे आ जाएंगे और इंटर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला ही टॉपिक आपको क्या दिख रहा है, इनेबल जीएसटी, तो इसको यस कर देंगे और यस करके इंटर करेंगे। नीचे वाला जो नो है उसको भी यस करके इंटर कर देंगे। इंटर करते ही पहले आपसे पूछेगा स्टेट कि आपकी जो कंपनी है वो किस राज्य में है। तो हमने कह दिया हमारी कंपनी उत्तर प्रदेश में है, इंटर, और रेगुलर यहीं छोड़ देंगे और नीचे आ जाएंगे। फिर पूछेगा कि आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर क्या है, उसको यहाँ पे डाल दीजिए। तो हमने जीएसटी नंबर देखिए दोस्तों डाल दिया है 09AACTB5381Q1ZU, ठीक है, ये एक इमेजिनरी जीएसटी नंबर है, ठीक है। देखिए जो 09 है वो आपका स्टेट का कोड है, यूपी में जितनी भी कंपनी होंगी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगी उनका शुरू का दो छो डिजिट क्या होगा, 09 स्टेट कोड, ठीक है। इतना डालने के बाद कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे, ठीक है, फिर कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। तो हमने अपनी कंपनी में जीएसटी डाल दी, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, परचेज करना है। तो परचेज करते समय आपको बिल मिल गया होगा, तो आप वो स्टॉक आइटम बना लेंगे, ठीक है। आइए इन्वेंट्री में जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे और क्रिएट, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं, तो कंप्यूटर प्राइमरी में पीसेस और यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल करके सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, इसको यस कर देंगे। इसको जैसे ही यस करेंगे आपसे पूछेगा कैलकुलेशन किस टाइप पे करना है, तो हमने कहा ऑन वैल्यू। पूछेगा टैक्सेबल है कि नहीं, तो हम कहेंगे हाँ टैक्सेबल है। और पूछेगा टैक्सेस का रेट क्या है, तो कंप्यूटर पे 18% जीएसटी लगती है दोस्तों, तो 18% इंटीग्रेटेड में 18 डाल देंगे, तो सेंट्रल और स्टेट में 9% डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। गुड्स कर देंगे और यहाँ पे क्वांटिटी डाल देंगे, हम 100 पीस खरीद रहे हैं और 10,000 का, ठीक है, इंटर। अगला क्या है, लैपटॉप खरीद रहे हैं, लैपटॉप प्राइमरी, ये भी पीसेस, अप्लीकेबल यहाँ पे यस, ऑन वैल्यू टैक्सेबल इंटीग्रेटेड में फिर 18, 9 डिवाइड हो जाएगा और इंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे भी 100 पीस, 20,000 का एक है, ठीक है। फिर एक खरीद लेते हैं टेलीविजन, टेलीविजन प्राइमरी पीसेज अप्लीकेबल यस, ऑन वैल्यू टैक्सेबल 28% दे देते हैं, यहाँ पे 50 पीस खरीद लेते हैं, 25,000 का एक, ठीक है दोस्तों। ये आपके स्टॉक आइटम बन गए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, तीन ठो लेजर बना लेते हैं। लेजर में आएंगे और
ऑल्टर में देखिए कैश और प्रॉफिट लॉस बना रहता है, तो इसको हम लोग नहीं बनाएंगे, हम लोग क्रिएट में आएंगे, एक पार्टी बना लेंगे या एक कंपनी जिससे हमने परचेज किया है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने परचेज किया है मिस्टर ए से, मिस्टर ए यहाँ पे हम डाल देंगे, ये हमारे क्रेडिटर हो जाएंगे। अब मिस्टर ए किस स्टेट के हैं, तो जैसा दोस्तों हमने बताया सेम स्टेट से हम खरीद रहे हैं, तो हमारा उत्तर प्रदेश है, तो मिस्टर ए का भी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब इनका भी जीएसटी नंबर होगा, इनका भी एक जीएसटी नंबर 09 BA TC A5518Q1ZC। ठीक है, इसके बाद इसको भी इंटर कर देंगे, ये भी इमेजनरी है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम बना लेंगे। देखिए जब सेम स्टेट में हम खरीदते या बेचते हैं तो हमारा जो टैक्स लगता है वो उसको कहते हैं CGST SGST, मतलब सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। तो जैसे हमने इंटीग्रेटेड में 18 डाला था, तो उसका 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, 9% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, तो एक बना लेते हैं CGST, ये आपका जाएगा दोस्तों ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। अब देखिए पूछेगा किस टाइप का ड्यूटीज एंड टैक्स है, तो हम कहेंगे जीएसटी। पूछेगा कौन सा टैक्स टाइप है, तो हम कहेंगे सेंट्रल, और इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर एक बना लेंगे एसजीएसटी, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, जीएसटी में, स्टेट एसजीएसटी है तो स्टेट में, और इंटर सेव कर लेंगे। ठीक है, इतना हमारे दोस्तों लेजर बन गया, आइटम बन गया। अब हमें क्या करना है, परचेज करना है, तो हम परचेज के लिए अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, और हम परचेज ही हमारा इंटरफेस ओपन है, अगर नहीं आएगा सामने तो F9 प्रेस कर देंगे। ठीक है, इनवॉइस नंबर डाल देते हैं INV/001। ठीक है, 1 अप्रैल को, पार्टी नेम मान लीजिए मिस्टर ए है, कुछ नहीं करना, कंट्रोल ए से सेव। अब यहाँ पे एक परचेज का लेजर बना लेंगे, ऑल्ट सी परचेज, इसको आप लोग वहां से भी बना सकते हैं जहां से हमने अभी लेजर बनाया था। परचेज कहाँ जाएगा, परचेज अकाउंट में, यहाँ पे नो रहने देंगे और यहाँ पे गुड्स कर देंगे। ठीक है, सेव कर दिए। अब जो जो आइटम हमने बनाया था उसको हम लोग परचेज कर लेते हैं, स्पेस बार दबाएंगे। देखिए पहला आ गया कंप्यूटर, 100 पीस खरीदे हैं, रेट आ गया आपका। ठीक है, फिर स्पेस बार लैपटॉप, ये भी 100 पीस खरीदे हैं, और फिर आपका टेलीविज़न 50 पीस। ठीक है, देखिए दोस्तों अब जब आप टेलीविज़न पे रहेंगे आखिरी में अमाउंट पे, तो आपको 2 बार इंटर करना है, 1 और 2। जैसे ही आप 2 बार इंटर करेंगे तो अब आपका लेज़र आ जाएगा। ठीक है, अब हमने CGST ले लिया, देखिए दोस्तों आपका GST कट के आ गया 4,45,000 CGST, और इसी तरह फिर स्पेस दबाएंगे और फिर हम क्या ले लेंगे, SGST। ठीक है दोस्तों, अब आपको CGST SGST दिख गया। अब आपको ये देखना है कि अलग अलग आइटम पे GST कटा है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट ए और फिर ऑल्ट F1। अब देखिए हो गया, कंप्यूटर पे आपका कट गया 9-9%, लैपटॉप पे भी, और टेलीविजन पे 14-14%। ठीक है दोस्तों, फिर स्किप दबाएंगे, एंट्री पे आ जाएंगे, इंटर करेंगे, इंटर यहाँ पे लिख देंगे बींग गुड्स परचेज्ड बाय मिस्टर ए, मिस्टर ए के द्वारा गुड्स हमने खरीदा। ठीक है, या इसको लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड, इंटर इंटर। ठीक है, अब देखिए अब परचेज कर लिए तो एक एंट्री पेमेंट के भी करनी रहेगी। ठीक है, तो पेमेंट के लिए हम लोग क्या कहाँ जाएंगे दोस्तों, F5 पेमेंट में आ जाएंगे, हम कह रहे कैश पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब किसको पेमेंट करनी है, मिस्टर ए को, मिस्टर ए का करंट बैलेंस दिखा रहा है, तो वो करंट बैलेंस पूरा हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे 0 और इंटर। तो यहाँ लिख देंगे बीइंग पेमेंट मेड टू मिस्टर ए। ठीक है, इंटर इंटर, आपकी 2 एंट्री हो गई। हमने क्या देख लिया कि सेम स्टेट में अगर हम खरीद रहे हैं तो उसको कैसे करेंगे और पेमेंट कैसे करेंगे। सेम स्टेट के लिए क्या लगता है दोस्तों, CGST SGST। ठीक है,
अदर स्टेट के लिए IGST, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग परचेज करेंगे पर दो अलग स्टेट रहेंगे आपके, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।